नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत के साथ चीन के संबंध जिस हिसाब से बिगड़ रहे हैं, वैसे ही नेपाल के संबंध भी भारत के साथ बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब नेपाल की राजनीति में चीन की दखलंदाजी साफ झलकने लगी है। चीन के कहने पर हाल ही में नेपाल ने जहां अपने नक्शे में बदलाव किया, वहीं उसने भारत न्यूज चैनल्स के नेपाल में प्रसारण पर रोक लगाकर बड़ा दांव चल दिया। नेपाल के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डीडी न्यूज चैनल को छोड़कर बाकी चैनल को बैन कर दिया है। इसे नेपाल में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप माना जा सकता है। केबल ऑपरेटर्स को आदेश दिया गया है कि वे भारत न्यूज चैनल का प्रसारण बंद कर दें, जो कि दो दिन पहले बंद कर भी दिया गया है। बड़ी बात यह है कि चीन के सभी चैनल्स का प्रसारण नेपाल में धड़ल्ले से हो रहा है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल ने सीमा पर भी अपना मोर्चा खोल दिया है। भारत से लगती सीमा पर नेपाल ने अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच हर बीते दिन के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल के एनएस इंद्रजीत राय की राय के बाद ओली सरकार उत्तराखंड के छागरू में बड़ी तादाद में सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है, जिससे इस इलाके में स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। केवल इतना ही नहीं, इस इलाके में छावनी बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। इसका साफ मतलब यह है कि चीन के इशारे पर केवल पाकिस्तानी नहीं बल्कि नेपाल भी तीसरा मोर्चा खोल चुका है। पर इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि नेपाल भारत के खिलाफ इससे भी खतरनाक साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से यह खुलासा हुआ है कि नेपाल ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को नेपाल के रास्ते भारत में भेजने के मिशन में अब नेपाल पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है। चीन जिस अलबदर को खाद पानी दे रहा है, उसके जमूरों को नेपाल के माध्यम से भारत में धकेलने की साजिश है। नेपाल द्वारा बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती इसी साजिश का एक हिस्सा माना जा रहा है। खास बात यह है कि बगल का छोरा ढिंडोरा बजा रहा है और भारत रोटी बेटी के गुणगान में व्यस्त है। नेपाल भारत की सहनशीलता और शांति प्रियता का फायदा उठाकर दिन प्रतिदिन आक्रामक हो रहा है। पर अब मोदी सरकार ने नेपाल के प्रति अपनी रणनीति में बदलाव करने का फैसला लिया है, यानी सरकार नेपाल की हरकतों को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सूत्रों की माने तो नेपाल पर कुछ कठोर फैसले लिए जा सकते हैं। इनमें व्यापार से लेकर और कूटनीतिक संबंधों से भी सख्त संदेश देने की तैयारी कर ली गई है। खासतौर से नेपाली सैनिक बॉर्डर पर बेहद आक्रामक है। भारत और नेपाल की सीमा 1776 किलोमीटर लंबी है। नेपाल के साथ भारत के 26 जिले सीमा बनाते हैं। आज भी 54 स्थानों पर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है। अभी तक नेपाल भारत की सीमा पूरी तरह खुली सीमा रही है, मगर चीन की कठपुतली बन चुके चीनी धोती छाप ओली ने अभी सीमा को नियंत्रित करने का संकेत देकर दोनों तरफ के नागरिकों की बेचैनी बढ़ा दी है। ओली के इस कदम के बाद भारत के नागरिक आसानी से नेपाल नहीं जा सकेंगे, जबकि नेपाली बड़ी आसानी से भारत में आ सकते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के आतंकियों को भारत में घुसाने में नेपाली सेना बाजवा ब्रिगेड की भूमिका निभाने जा रही है, यानी जयचंद हिंदुओं में ही मिलते हैं और यह नेपाल ने साबित कर दिया है। पर यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। नेपाली मीडिया के मुताबिक ओली सरकार एक और बड़ा कदम भारत के खिलाफ उठाने जा रही है। नेपाल भारत रुपए पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर चुका है। नेपाली पीएम ओली एक ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसके बाद नेपाल में भारत रुपया प्रचलन से बाहर हो जाएगा, जबकि इसके उलट यहां पर चीनी युआन को बाजार में लोकप्रिय बनाने की कोशिश है। नेपाल के अधिकारी इस फैसले के पीछे नोटबंदी में भारत की तरफ से हुई दिक्कत को हथियार बना रहे हैं। गौरतलब है कि नोटबंदी के दौरान भारत ने नेपाल से 100 रुपए के कुछ नोट लेने से इनकार कर दिया था। इसकी वजह भी भारत ने बिल्कुल साफ बताई थी। यह सभी नोट नकली थे जिन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने नेपाल के बाजारों में खपाया हुआ था। काफी दिनों से खामोशी की चादर ओढ़े बैठी मोदी सरकार ने अब जाकर नेपाल को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। पानी सिर से ऊपर जा चुका है और केपी शर्मा ओली सारी हदें लांघ चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने PMO को स्पष्ट कर दिया है कि ओली की नेपाल में मौजूदगी भारत के लिए बड़ा खतरा है। वे कहीं ना कहीं चीन के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वे भारत के विरोध में आखंड डूबे हैं, वे पूरी तरह अप्रत्याशित है। ओली के फैसलों की वजह से सीमा के दोनों तरफ के लोगों में नफरत बढ़ी है। इससे भारत को तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, पर नेपाल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नेपाल की सेना इतनी आक्रामक हो चुकी है कि वे भारत सीमा पर आकर स्थानीय किसानों को उनकी जमीन पर खेती नहीं करने दे रही है। उसे नेपाल का भूभाग बताकर किसानों को उन्हीं के खेतों से भगाया जा रहा है। मोतिहारी में तो नेपाल के सैनिक बाकायदा टेंटों के साथ सीमा के 10 मीटर दूरी पर डेरा डाले हैं।
आश्चर्य की बात यह है कि यहां पर भारत की तरफ से ना कोई सेना लगाई गई है, ना पुलिस प्रशासन को कोई आदेश मिला है। हैरानी की बात यह है कि दोनों देशों में कूटनीतिक संवाद भी नाम भर रह गया है। इससे यह संबंध और बिगड़ने के आसार हैं। मोदी सरकार को तत्काल प्रभाव से नेपाल पर नकेल कसने की जरूरत है। ओली सरकार का पतन फिलहाल भारत के सबसे हित में है। मधेशी समुदाय भारत का बड़ा समर्थक माना जाता है, मगर भारत की विदेश नीति में नेपाल को नजरअंदाज करने से आज यह समुदाय भी हाशिए पर पहुंच गया है। राजनीतिक रूप से भी इनकी भूमिका ज्यादा सशक्त नहीं रही है। ऐसे में भारत सरकार नेपाल के साथ नए सिरे से रिश्तों का विश्लेषण कर रही है, तो यह यकीनन भारत के हित में ही होगा। पीएम ओली विवादित नक्शा पास करने से लेकर नागरिकता कानून बनाने, भारत न्यूज चैनल बंद करने और सीमा पर सैनिकों की दखलंदाजी के साथ भारत पर कोरोना फैलाने और सरकार गिराने तक के आरोप मट चुके हैं, जिसके जवाब में भारत शांत बना रहा है। पर अब नेपाल पर भारत का एक्शन होने की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि सरकार अब नेपाल को ज्यादा सिर पर चढ़ाने के मूड में नहीं है। विशेषकर भारत के नागरिकों में भी नेपाल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसने सरकार पर दबाव और अधिक बढ़ा दिया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।